सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब हम वह कर लेते हैं जिसे हम डरते हैं, तब हमारे अंदर निडरता का जन्म होता है। तो गिर कर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। आज का पंचांग 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 3:48 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 1:28 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर शाम 7:28 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मीन राशि 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार, आज कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। आप यह मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे आगे चलते हुए अपनी व्यक्तित्व की उदारता को भी नोट करेंगे। कोई आपसे मदद मांगेगा, प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। आज को शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। धर्म कर्म व समाज सेवा से संबंधित कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी और सुकून भी मिलेगा। संबंधों में चल रही कड़वाहट किसी की मध्यस्थता से दूर हो जाएगी। युवा वर्ग अपने पढ़ाई व करियर के प्रति पूरी तरह से गंभीर रहेंगे। आपके स्वभाव में आ रहे बदलाव की वजह से आपसे जुड़े हुए लोगों को समझना मुश्किल लगेगा, लेकिन जल्द ही आपका पक्ष उन्हें समझ आएगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन थोड़ा कठिन महसूस हो सकता है। भविष्य से जुड़ी बातों का विचार छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देने की कोशिश करें। परिवार के लोगों से नाराजगी महसूस हो सकती है। रिलेशनशिप में काम करने के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि यदि आप अकेले हैं, लेकिन यदि आप अकेले ही काम करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। पार्टनर संबंधी चिंता किसी सही व्यक्ति के सामने प्रकट करें। सावधानियां, सामाजिक कामों के साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। घर से संबंधित कुछ काम अधूरे रहने से तनाव उत्पन्न हो सकता है, हालांकि आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। छोटी मोटी बातों में तनाव लेना रिश्ते को मजबूत कर सकता है, इसलिए ऐसी जगह पर समझदारी का परिचय दें। बात करते हैं लव लाइफ की। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधित कुछ अच्छा रिश्ता आ सकता है। साथ ही प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक के प्रति मिलने से विवाह में परिणित होने के योग बन रहे हैं। आप काफी संबंधों में अपनी किस्मत अजमा चुके हैं और आप छोटे छोटे संबंधों से बोर हो चुके हैं। अब आपको अपनी निजी दायरे में वापस आ जाना चाहिए, जहां कोई झाग भी न सके। अगर आप किसी संबंध से परेशान हो चुके हैं और इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपने साथी को इस बारे में बताकर आप छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज का दिन उन लोगों के लिए सबसे अनुकूल है जो किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवसायों में हैं। डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रशासकों और यहाँ तक कि मेडिकल छात्रों की सफलता के लिए आज के दिन उचित है। अगर आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले रही हैं तो इस सलाह को माने, क्योंकि यह आपके पेशेवर जीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रासंगिक होगी। व्यवसाय में कोई भी लेन देन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करें। कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधि पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी किसी गलती की वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है। निवेश संबंधित कार्यों में कोई फैसला लेने से पहले उस पर सोच विचार अवश्य करें। बात करते हैं सेहत की।
आज का दिन आराम से गुजारना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफी आलस महसूस करेंगी, जिसका असर आप पर पूरे दिन बना रहेगा। दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा, आपकी जोड़ों के दर्द और कमर दर्दी की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई देगी और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य ना करें जिनसे दर्द बढ़ जाए। आज समय के लिए आप अपने सब कामों से छुट्टी लेकर आराम से दिन बिताएं। आज का उपाय, आज आप पीले कपड़ों का दान करें और पीली वस्तुओं का भी, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।